आज जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हमने बुलाई है वो बेसिकली हमारे कुछ बड़े मामलों का खुलासा हुआ है जींद में, जो कि कुछ समय से लंबित थे, पेंडिंग थे, सेंसेशनल थे। उनमें से एक मुख्य जो सिटी पुलिस स्टेशन का देवीलाल चौक के पास सीमेंट व्यापारी पुरुषोत्तम बंसल को गोली मारने का एक मैटर था, जिसमें कि 307 का मामला दर्ज किया गया था। और उसमें जैसा कि आपको विदित है, कुछ समय पहले जो मेन शूटर थे जिन्होंने इस वारदात को अंजाम दिया था, उनको पुलिस ने अरेस्ट किया था और उनके कब्जे से वेपन्स भी बरामद किए थे। उन लोगों की पूछताछ पे, बातचीत पे और डिस्क्लोजर पे ये बात सामने आई। और क्योंकि पुलिस भी कोई भी क्राइम है उसके मोटिव में भी जाती है, तो उसके पीछे मोटिव क्या है, बेनिफिशरी कौन है, तो उन लड़कों का कोई एज सच डायरेक्ट इन लोगों से कोई राइवलरी नहीं थी, कोई कॉम्पिटिशन नहीं था, कोई दुश्मनी नहीं थी। उन्होंने जो ये वारदात को अंजाम दिया, वो जो जिसमें मेन जो आदमी है जिसने कि सुपारी इस काम के लिए दी, पूर्व चेयरमैन के पति धर्मपाल धर्मेंद्र पहलवान, जो कि जींद निवासी हैं, अभी जींद में रह रहे हैं, और पोखरी खेड़ी गांव के दो सगे भाई बलजीत और रोशन, इन दोनों को CIA पुलिस ने ट्रेंटी मोड से और रोशन लाल को जींद की नई अनाज मंडी से गिरफ्तार किया है। तो ये लोग मेन लोग थे और इन लोगों की इनके साथ बिजनेस राइवलरी थी। उस बिजनेस राइवलरी को लेकर के इन्होंने ये इस तरह का काम कराया। तो ये बड़ी अच्छी हमारे CIA 1 की जो कि DSP सिटी हमारे खुद देख रहे थे इस मैटर को।